ए समझिए, आज ना अभी तक हम हेलो ए अभी हम पढ़ रहे थे छोटे छोटे पार्ट, जैसे वेल हो गया, एल जंक्शन, टी जंक्शन को छोड़ दिया, बाद में कभी पढ़ लेंगे, बहुत छोटे छोटे जैसे कि कितना ईंट लगेगा वगैरह वगैरह। लेकिन आज से हम क्या शुरू कर देंगे, आपका बिल्डिंग। हाँ ये बिल्डिंग ही तो है भाई, एक रूम का, और आपके सिलेबस में कितने रूम का है, दो रूम का, बस सिंगल फ्लोर यानी एक मंजिला दो रूम का। अब बुक में तो एकदम दिमाग का दही कर देगा, तो वो सब पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, और जब जेई बन जाएंगे तब काम आएगा वो सब। और देखिएगा तो एक रूम का मिला, जिसकी रूम की लंबाई कितनी है 5 मीटर और चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, समझ आ रहा है, इंटरनल साइज। जब ऊपर से देखेंगे तो जीएल के नीचे थोड़ी दिखेगा आपको, जीएल के नीचे कुछ दिखेगा नहीं, इसीलिए सिर्फ क्या बनाया गया है, 30 सेंटीमीटर वाल को बनाया गया है, यही तो दिखेगा, है ना, समझ आया, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है भाई, ये 30 सेंटीमीटर वाल है, ऊपर से प्लान है ना, ये क्या है आपका प्लान, और ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शन। और जब इसको काट के साइज से देखेंगे तो ऐसा तो फाउंडेशन दिखेगा। अब लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हैं बिल्डिंग, फाउंडेशन, क्रॉस सेक्शन और प्लान समझने में तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो आपको एस्टीमेट निकालने के लिए दो देगा, एक प्लान और एक क्रॉस सेक्शन, ये हम शुरू से बता रहे हैं। आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, कुछ का हम लोग एरिया निकालते हैं, अभी हमको क्या निकालना है, आयतन, क्या निकालना है, अरे बताइए भाई, आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब क्या करेंगे इसके लिए, हमको टेबल बनाना है, क्या बनाना है भाई, टेबल बनाना है। सबसे पहले लिखेंगे हम सीरियल नंबर, क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद नंबर, उसके बाद लंबाई, उसके बाद चौड़ाई, उसके बाद गहराई या मोटाई, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद रिमार्क। सबसे पहले लिखेंगे, आज सोच रहे होंगे आप क्यों पतला पतला बना रहे हैं, सोच रहे हैं लोग ना, हाँ क्योंकि काम है, बहुत ज़्यादा समझाना है, तो खाली जाएगा तो समझाएंगे, ठीक है। हाँ सबसे पहले हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, उसके बाद नंबर, लिखना उखना लिखना बंद करिए ओए महारानी, समझ लीजिए हम लिखने का टाइम देंगे, लंबाई चौड़ाई गहराई या फिर मोटाई, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी तो हम कहाँ लिखेंगे, रिमार्क में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको मृदा देखना कि कितना मृदा आयतन निकल रहा है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉइल एक्सवेशन इन, सॉइल एक्सवेशन इन फाउंडेशन, ये न्यू खुदाई में मृदा का कार्य, न्यू खुदाई में क्या देखेंगे, मृदा का कार्य। अब देखिए यहीं से आपका समझने वाले पोर्शन शुरू हो जाते हैं, ये 30 सेंटीमीटर दिख रहा है, इतना ही लंबा थोड़ी खोदना हमको, फाउंडेशन काफ़ी लंबा जाता है, कैसे लंबा जाता है, ऐसा फाउंडेशन है तो इस तरह का फाउंडेशन इधर भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए भाई, हाँ कहिए, इस तरह का फाउंडेशन इधर भी होगा, रफ में बना रहे हैं इस साइड का, सेम सेम इधर होगा, इस तरह का फाउंडेशन इधर भी होगा, है कि नहीं, नहीं होगा, इस तरह का फाउंडेशन कहाँ होगा, यहाँ भी होगा, चारों तरफ फाउंडेशन होता है भाई, फाउंडेशन कहाँ होता है आपका, चारों तरफ होता है। तो हम फाउंडेशन की लंबाई ना वाल की लंबाई से बड़ी रहती है, फाउंडेशन की लंबाई वाल की लंबाई से बड़ी रहती है, देखिए कैसे बड़ी होती है, नहीं तो कॉलम हमको नहीं पढ़ना, हमको स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन पढ़ना है, कालम वाला तो कालम हम नहीं लगाए, कालम लगाए होते तो ऐसा किए होते, ऐसा एक कालम का सिंबल होता है, हाँ हाँ हाँ, एक कालम का सिंबल होता है, हमको कालम नहीं पढ़ना, हमको क्या पढ़ना है, खसकेदार नीव, फाउंडेशन दिया ना है, फाउंडेशन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब चारों तरफ से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा, इस वाल का क्रॉस सेक्शन ऐसा 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 दिखेगा, दिखेगा पक्का, दिखेगा ना क्रॉस सेक्शन। अब देखिए सबका कहिए, कोई दिक्कत है, बात मत करिए। अब देखिए जब ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, ध्यान से देखिए, सबसे पहले 30 सेंटीमीटर वाला देखिएगा, सबसे पहले क्या दिखाई देगा आपको, 30 सेंटीमीटर वाला दिखाई दिया, एक क्या दिखाई दे दिया, 30 सेंटीमीटर वाला वाल। अब 30 सेंटीमीटर वाल को ना हम डार्क कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मेन पोर्शन यही वाला है, 30 सेंटीमीटर वाल, ठीक है। देखिएगा 30 सेंटीमीटर वाल, अब देखिएगा जब ऊपर से देखेंगे तो जो 30 दिखाई दिया, बताइए 40 वाला दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा,
ऊपर से हम पूरा बना रहे हैं। 40 वाला दिखाई देगा, 5-5 का खस का दोनों साइड में, इसका भी दिखाई देगा भाई, इसका भी तो 40 हुआ होगा, इसके भी तो नीचे खस का गया होगा, तो ये भी 40 हो जाएगा। इन सभी दीवारें 40-40 की होंगी, नीचे खस का देखिएगा। 30 के बाद क्या हो गया आपका, 30 के बाद क्या हो गया 40, 5 इधर आए, 5 इधर आए, 5 इधर आए और 5 इधर हो गया, फिर 5 इधर, 5 इधर, बहुत पतला हो गया भाई, 5 इधर और 5 इधर, कोई दिक्कत है? अब देखिए 40 के बाद सभी दीवारें 50 हुई हैं, सभी दीवारें क्या हुई हैं 50 हुई हैं, सीधे सीधे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दीवारें सारे 50 हुई हैं। तो देखिए अब क्या हो गई, 50 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया भाई। चलिए इधर का भी बना देते हैं, क्या 50, हमको आज कलर वाला लाना चाहिए था पेन, भूल गए, 50 हो गया। उसके बाद हाँ 40 वाले में क्या बताइए, हाँ हाँ जैसे तीस से 40 कैसे हुआ, 5 इधर 5 इधर खसका निकला है, वो कह रहे हैं है ना। अब 40 से 50 कैसे हुआ, ये वाला 40 हो गया, 40 से 50 कैसे हुआ, 5 खसका उधर 5 खसका इधर, अब 50 से कितना हो गया 80, यानी 15 उधर 15 इधर, देखिएगा 15 में ज़्यादा ज़्यादा छोड़ रहे हैं नहीं भाई। अब हमको बेसिक आपको हम समझा रहे हैं, हम आपको क्या समझा रहे हैं बेसिक, आपको कुछ नहीं बनाना है आज, इसीलिए कह रहा था कल ना का आज का समझ गए पूरा आपका बिल्डिंग का 70% कन्फर्म, एक दो कंसेप्ट और है उसको बाद में समझा देंगे, आज का इंपॉर्टेंट है तो ये थोड़ी बनाना है, वो तो दो मिनट काम है अभी रट लेंगे आप, लेकिन रटना नहीं है, समझ के रटेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए जो रंगे हैं 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50, अब कितना गैप छोड़े 15, ये कितना हो गया आपका 80 वाला, देखिएगा ये जो है कितना है 30, ये कितना है भाई 40 है ना, कितना है 40, ये कितना है 50 और ये कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 80 है, तो चारों तरफ ऐसा ही होगा, चारों तरफ ऐसा ही। अब बताइएगा फाउंडेशन हमको ज़्यादा खोदना है कि नहीं, देखिए कितना लंबा तक खोदना है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए वाल कितना दिख रहा है आपको इतना ही, तो वाल की लंबाई फाउंडेशन में नहीं रख सकते, फाउंडेशन वाल से क्या होता है लंबा होता है, वाल से कित क्या होता है चौड़ा होता है, समझ आ रहा है? तो लिखेंगे हम अर्थ और एक्सप्रेशन इन फाउंडेशन में, सबसे पहले लिखेंगे लॉन्ग वाल, क्या लिखेंगे लॉन्ग वाल। देखिए बिल्डिंग के एस्टिमेट निकालने के 3 मेथड होते हैं, तो हम आज कौन सा मेथड पढ़ेंगे हमको पहले बताना चाहिए, वो लॉन्ग वाल और लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड, बिल्डिंग की एस्टिमेट निकालने के अभी लिखवा देंगे, चलिए कोई बात नहीं। बिल्डिंग की एस्टिमेट निकालने कितने मेथड होते हैं 3, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल, इसमें कोई थियरी नहीं है, है ना, थियरी आप खुद बना लेंगे न्यूमेरिकल लगाते लगाते, बस लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल को एक बार लिखेंगे लॉन्ग वाल, उसके बाद एक बार के लिखते हैं हम लोग शॉर्ट वाल, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब लॉन्ग वाल की संख्या कितनी है, अब हॉरिजॉन्टल वाले को हम क्या मानते मान लेते हैं लॉन्ग वाल, भले वो छोटा हो, इसमें यदि ये 3 कह देता है 4 कहता है तब भी हम इसको क्या मानते हैं लॉन्ग वाल मानते, तो लॉन्ग वाल कितना है 2 है कि नहीं, तो लॉन्ग वाल की संख्या कितना हो जाएगा 2। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे लॉन्ग वाल, लिखेंगे लॉन्ग वाल सेंटर टू सेंटर लेंथ, यानी जो लंबी दीवार है उसका केंद्र से केंद्र लंबाई कितना होगा, तो बताइए 5.3, देखिए से अंदर अंदर कितना है 5, लॉन्ग वाल का सेंटर टू सेंटर तो 15 इसमें जाएंगे, 15 इसमें जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 5.3 मीटर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आसान है सेंटर टू सेंटर लेंथ, क्योंकि 30 सेंटीमीटर का दीवार की मोटाई है लॉन्ग वाल, वाल का कितना हो जाएगा 5.15 क्या हो जाएगा 5.3 मीटर, आसान है, लेकिन इतना तो हम लंबाई में रख नहीं सकते, हमको क्या चाहिए टोटल लेंथ चाहिए, तो लिखेंगे लॉन्ग वाल, लॉन्ग वाल टोटल लेंथ, लंबी दीवार की कुल लंबाई 5.3 में हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा, लिखिएगा यही देखिए मेन कंसेप्ट यही है, यहाँ से लेकर यहीं तक यही तो सेंटर टू सेंटर है,
सेंटर सेंटर जाएंगे तभी उसमें जोड़ घटा पाएंगे, सेंटर सेंटर हमको निकालना पड़ेगा तभी उसमें कुछ जोड़ घटा पाएंगे। अभी देखिएगा तो कितना हो जाता है, ए हो जाएगा आपका 5.3 मीटर, है ना। अब देखिएगा 5.3 मीटर कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, इतना इतना दिख रहा है एक्स्ट्रा, इधर भी इतना एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये तो इतना दोनों एक्स्ट्रा जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा टोटल लेंथ, लंबाई मिल जाएगा। इसमें इसकी चौड़ाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई से गुणा कर देंगे और ग्राउंड लेवल तक होता है गहराई, फाउंडेशन का गहराई से गुणा कर देंगे, क्वांटिटी आ जाएगी। तो मेन निकालना होता है लंबाई, क्या निकालना होता है लंबाई, सेंटर टू सेंटर निकालते हैं तभी हम उसमें जोड़ घटा पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगा, नहीं निकालेंगे तब भी जोड़ घटा लेंगे लेकिन दिक्कत होगा। देखिएगा अब 5.3 आया, अब इतना देख लें, इतना कितना होगा तो जोड़ देंगे, इतना देख लें कितना होगा जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 80 है फाउंडेशन की चौड़ाई। एकदम उसके सेंटर पे एक लाइन जा रहा है, ये लाइन जा रहा है तो सेंटर किधर कितना होगा, 40। सेंटर किधर कितना होगा, 40। देखिएगा ये दीवार के सेंटर में है कि नहीं है, तो सिर्फ दीवार के 30 सेंटीमीटर दीवार की बात करें तो उसके इधर कितना है, 15। उसके इधर कितना है, 15। ये 40 सेंटीमीटर वाले खसके की बात करें तो इसके इधर 30 इसके इधर 20, इसके इधर 20। 50 वाले की बात करें तो इस सेंटर लाइन के इधर 25, इधर 25। 80 वाले की बात करें तो इसके इधर 40, इधर 40। समझ आ रहा है, यानी ए वाली लंबाई कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। आसान है, ए वाली लंबाई कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितना होगा, 5.3 में 0.4 मीटर प्लस 0.4 मीटर। आया सबको, ए आ गया तो आधा कम हो गया, देख लीजिए कितना आ रहा, 4, 8, 9, 10, 11, हाँ 6.1 मीटर। तो तेज लग रहे हैं भाई, तुरंत बता दे रहे हैं। कितना आ जाएगा आपका, 6.1 मीटर, ठीक है। तो देखिएगा ए हो जाएगा आपका 6.1 मीटर लंबाई मिल गया टोटल लेंथ, इतना ही तो लंबा है, कितना चौड़ाई फाउंडेशन करना है खोदना है, 80। ये तो आसान है, 0.8, बस मेन फोकस लंबाई निकालने पे ही करना है, वही थोड़ा फंसता है। गहराई कितना जाएगा, 40, 30, 70, GL तक गहराई होता है, हो जाएगा आपका 0.7। कितना आएगा कैलकुलेट करिए, बस एक एक और समझना है, एक स्टेप और समझना है, 6.883 क्यूबिक मीटर, ठीक है। इधर समझिए भाई, अब देखिए अब सौ एक एक टॉपिक एक स्टेप और समझिए, अब शॉर्ट वाले भी कितने हैं आपके, 2 हैं, ये भी कितने मिलेंगे आपके, 2 मिलेंगे। अब इसकी लंबाई देखना, अब देखिएगा जो समझने वाली चीज़ है, हम कितने का एक्सप्रेशन कर चुके हैं भाई, 80 सेंटीमीटर चौड़ाई यही तो है, तो देखिए कितने का कर चुके हैं, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर चुके हैं, है कि नहीं, इतना एक्सीवेशन हम क्या किए, कर चुके हैं, बताइए कोई दिक्कत नहीं है। फिर लॉन्ग वाल कर चुके, ये भी तो कर चुके हैं, लॉन्ग वाल का दोनों कर चुके हैं। अरे भाई मेरे में नहीं बचा, उसमें बचेगा, वो तो 5-4 है ना मेरे में नहीं बचा लेकिन उसमें तो बचेगा ना, ये हो जाएगा। अब जितना बचा उतने का ही तो करना है। अब फिर शॉर्ट वाल का सेंटर सेंटर निकालेंगे, लिखेंगे शॉर्ट वाल सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना जाएगा, 4.3। क्या ये बताना पड़ेगा, नहीं भाई, 15-15 का है तो शॉर्ट वाल 4.3 है कि नहीं, हो गया। अब देखिएगा जो बचा है शॉर्ट वाल, इसमें हम सिंपल बनाते हैं भाई, 4.3, देखिए 4.3 मीटर, 4.3 मीटर यही तो है। अब बताइए क्या 4.3 हम रख सकते हैं वहाँ, इतना एक्सप्रेशन करना है लंबाई का, नहीं, क्या इसमें ये जोड़ेंगे, नहीं, वो तो पहले ही कर चुके हैं ना। अब क्या करेंगे, देखेंगे भाई 4.3, लेकिन देखेंगे इसमें इतना हम एक्सप्रेशन पहले ही कर चुके हैं,
जब हाँ जब लॉन्ग वाल किए हैं ना, तो 60 वाल का इतनी लंबाई का एक्सप्रेशन हम पहले क्या किए हैं, कर चुके हैं। आपको फिगर में दिख रहा है, जब लॉन्ग वाल एक्सप्रेशन किए हैं तो 60 वाल का कुछ पोर्शन हम कर चुके हैं, तब उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। तो देखिएगा कितना घटाएंगे, देखना है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 80। तो भाई सेंटर से 40 इधर, सेंटर से 40 इधर, देख लीजिए, सेंटर से 40 उधर, सेंटर से 40 इधर, यानी ए वाली लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर और ए वाली लंबाई कितनी है, दोनों कमा 40। समझ आ रहा है ना। देखिए सेंटर से 15 इधर, 15 इधर 30 सेंटीमीटर, सेंटर से 20 इधर, 20 इधर 40 हो गया, सेंटर से 25 इधर, सेंटर से 25 इधर 50 है, सेंटर से 40 उधर, सेंटर से 40 उधर, इसीलिए सेंटर सेंटर लेते हैं, आसान हो जाता है। समझ में आया वाला, बस हो गया काम। लिखेंगे 60 वाल टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 4.3 माइनस 0.4 माइनस 0.4 कितना आ रहा है, 3 पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए, उन पर भरोसा नहीं हमको, 3.5 आ जाएगा पक्का, ठीक है, बात मत करिए फोन से, बता दे रहे हैं क्या जाएगा आपका, 3.5 चौड़ाई उतना ही रहेगा 80 सेंटीमीटर, हो जाएगा आपका 0.8 और गहराई क्या रहेगा आपका 0.7, देख लीजिए कितना रहा है। हाँ हाँ 10 लोग 10 तरह का निकालिए, 3.9 जोड़ दीजिए, ए रोबोट भैया जोड़िए, अब चुप हो गए, लंबाई घटाना जोड़ना सब फटफट, अरे कैलकुलेटर के ना महाराजा बन के बैठे हैं, मोबाइल से काम नहीं चलेगा, हम बता दे रहे हैं, हाथ चलाना सीख लीजिए, देख रहे हैं ना कितना कैलकुलेशन है, अगर तो कंप्यूटर चला नहीं आएगा तो फिर होता ही रह जाएगा कैलकुलेशन आपसे, कितना आ रहा है पूरा 72 क्यूबिक मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है हो जाएगा। यानी हमको दो चीज़ें अभी तक याद रखना है, क्या याद रखना है कि एक दो चीज़ें, कई चीज़ें, एक किस मेथड से है लॉन्ग वाल 60 वाल, क्योंकि लॉन्ग वाल अलग लिखते हैं 60 वाल अलग लिखते हैं, ओए इधर देखिए भाई, इसका तो उतना ही आ रहा है, तो आएगा ये बड़े बड़े 1.96 क्या, 200 गुणा नहीं कर रहे होंगे, मोबाइल से करेंगे तो ऐसा होगा, समझिए लॉन्ग वाल में हमेशा जोड़ते हैं, 60 वाल में घटाते हैं, लॉन्ग वाल में भाई लंबाई तो जोड़ेंगे, 60 वाल में ऐसा याद हो जाएगा, 60 वाल में घटाएंगे। और एक चीज़ याद रखना है, आगे बताते हैं ठीक है, नहीं अर्थ फीलिंग थोड़ी आएगी, दूसरा क्या होता है, नीचे को हम कहेंगे PCC, नीचे वाला क्या है भाई, नीचे वाले को हम कह दे रहे हैं PCC, ठीक है, तो PCC वर्क निकाले, नीचे से हम काम करते हुए चलते हैं, देखिएगा PCC वर्क इन फाउंडेशन है ना, ये सब ऊपर ही रहना चाहिए, PCC में नहीं घुसना चाहिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉन्ग वाल, उसके बाद शॉर्ट वाल, हम थर्ड सेमेस्टर से ही आपको बताते हुए आ रहे हैं, जितना लंबा फाउंडेशन होता है उतने लंबाई में हम PCC करते हैं, है कि नहीं भाई, जितना नींव खोदते हैं उसमें पूरा दुरमुट से कूटते हैं कि नहीं, ईंट डाल कर अपने घर में, तो जितना चौड़ा रहता है उतना ही करते हैं, है कि नहीं, पूरे चौड़ाई में हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं फाउंडेशन के, समझ आ रहा है, लेकिन बस गहराई क्या होता है PCC का अलग है, यानी एक क्या है 30 सेंटीमीटर गहराई मिलेगा आपको, 0.3 और 0.3 है कि नहीं, गहराई 0.3, यानी फाउंडेशन और PCC की लंबाई चौड़ाइयाँ क्या होती हैं, सेम होती है, तो कर दीजिए कैलकुलेट आइएगा, बता दे रहे हैं, 1.68 जोड़ दीजिए, क्यूबिक मीटर, ठीक है। तीसरा क्या होता है आपका, अब ब्रिक वर्क जाएंगे तो लिखेंगे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, लॉन्ग वाल, बिल्डिंग का जब करेंगे तो सब में लॉन्ग शॉर्ट करना पड़ेगा,
अरे नहीं भाई, हम बता रहे हैं बिल्डिंग की इस्टीमेट निकालने के तीन मेथड हैं, लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल, एक आएगा सेंटर लाइन मेथड, एक आता है क्रॉसिंग मेथड। तो दो आपके सिलेबस में है, लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल और सेंटर लाइन। वो कहता नहीं है कि इस मेथड से करिए अब, लेकिन कभी कभी कह देता है कि इस मेथड से करिए। ए वाला समझ आया, अगला सेंटर लाइन इससे भी आसान है, वो तो ऐसे ही होता है। अधिक है लॉन्ग वाल। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लॉन्ग वाल का निकालेंगे। अब क्या निकालना है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। अब देखेंगे कि नींव में कितना ईंट का कार्य हुआ है। तो लॉन्ग वाल अब इसमें खस के मिलेंगे, फर्स्ट खस का और सेकेंड खस का, है ना। तो सबसे पहले लॉन्ग वाल लिखेंगे। लॉन्ग वाल में लिखेंगे हम क्या, फर्स्ट फूटिंग। क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट फूटिंग। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेकेंड फूटिंग। बताइए कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिएगा 80 सेंटीमीटर वाला, हम 80 सेंटीमीटर वाला काम कर चुके, इसमें से कर चुके नहीं कर चुके। अब बताइए 80 वाला काम ख़त्म कर दीजिए, अंदर भी ख़त्म करिए भाई। हो गया, अब यही तो बचा 50 वाला। 50 वाला बचा, अब इस पर सिर्फ 50 वाले फोकस करिएगा। किसकी, फर्स्ट फूटिंग। फर्स्ट फूटिंग की चौड़ाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो सिर्फ बाहर वाला दोनों देखिएगा, है ना। तो लिखेंगे इसके सामने, लिखेंगे फर्स्ट फुटिंग के सामने, लिखेंगे क्या देखिएगा, फर्स्ट फुटिंग के सामने लिखेंगे टोटल लेंथ। नहीं करेंगे, क्यों करें, देखिएगा। देखिए सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना है भाई, 5.3, ठीक है। और इसका सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना है, 4.3, यही है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट फुटिंग के सामने लिखेंगे टोटल लेंथ, और हम बाद में लिख देंगे। टोटल लेंथ कितना आ जाएगा आपका फर्स्ट फुटिंग के सामने, देखिए 5.3 में कितना जोड़ना है, देखिए तो कितना जोड़ना है बताइए भाई, 25 ही इधर आएगा, देख लीजिए कितना आएगा। ये वाला, यही वाला तो जोड़ना है हमको फर्स्ट फुटिंग में, सेंटर टू सेंटर में। देखिए सेंटर से इधर जितना निकला हुआ है तो कितना है भाई, सेंटर से इधर देखिए 25 होगा, 25 उधर होगा, तो जोड़ देंगे 0.25 + 0.25, कितना जाएगा बताइए भाई, ऐसा आएगा क्या, 5.8। ये वाला समझ आया, जितना जोड़े हैं, है ना। अब देखिए जितना जोड़े हैं उसको क्या करेंगे, चलिए इसको मिटाई दे रहे हैं, लेकिन इसको, इस फिगर को माइंड में रखिएगा, ठीक है। हम ना सिर्फ क्या बना रहे हैं, सिर्फ बना रहे हैं देखिएगा 30 सेंटीमीटर वाला, उसके बाद बनाएंगे जो हमको काम है। ये कौन वाला है जो हैचिंग कर रहे हैं, 30 वाला, अरे यार काटेंगे सब तो समझ, फिर दिक्कत होगा, ईंट नहीं छड़ काटा जाता। हाँ देखिए 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 अच्छा ये क्या हो, अब हम क्या बना रहे हैं, सिर्फ 50 वाला बना रहे हैं, देखिएगा ये 25 इधर, कौन सा बनाएंगे भाई हम, अब सिर्फ 50 वाला और 25 इधर, तब तो हो चुका पढ़ाई, बाद में कटिंग हो। देखिए यहाँ से यहाँ कितनी है लंबाई, 5.3, और यहाँ से यहाँ कितनी लंबाई है, 4.3, है कि नहीं है। अब बताइएगा लंबाई में हमको कितना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ये टोटल 50 है तो 25 ही तो एक्स्ट्रा जा रहा है सेंटर से, और 25 ही तो इधर जा रहा है ना, तो जोड़ दें उसमें। तो टोटल लेंथ लॉन्ग वाल में क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ 5.3 + 0.25 + 0.25, यानी 5.8 सेंटीमीटर। हाँ टोटल 50 सेंटीमीटर वाला है, फर्स्ट खस का है, फर्स्ट फुटिंग 25 जाएगा, हो गया। तो देखिएगा लंबाई में कितना रख देंगे हम लोग, संख्या तो दो ही है, लंबाई में रख देंगे 5.8, चौड़ाई कितना हो जाएगा 0.5, और गहराई कितना हो जाएगा फर्स्ट फुटिंग का, 20 सेंटीमीटर, 0.2, सिर्फ 50 का गहराई कितना रहा बताइए, 1.16 क्यूबिक मीटर।
अब देखिए 60 वाल को देख लेते हैं। 60 वाल को टोटल लेंथ कितना आ रहा है, क्या कर रहे हैं? 0.25। ए ए ए चौड़ाई है, चौड़ाई है, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुणा करेंगे तभी ना आएगा क्वांटिटी। हम पढ़ा रहे थे, कैलकुलेटर चला रहे थे, सीख रहे थे। हाँ तो जब इधर हम समझाएंगे उधर काम करेंगे तो हम जो है वो सब देख रहा है कौन। हाँ जल्दी नहीं, हम कहते आप चले जाइए, आपको वीडियो भेज देंगे, आप फाल दें 11 बजे पहले थोड़ी छोड़ेंगे। अब देखिएगा हो गया, अब देखिए कितना 60 वाल का बच्चा देखिए ना। हेलो फिर बात करेंगे, फिर पूछेंगे, आसान आसान पूछते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना। इतना कर चुके नहीं कर चुके हम लोग काम, इतने का एक्सप्रेशन हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, इतने का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। अब लिखेंगे टोटल लेंथ में लिख देंगे, क्या लिख देंगे देखिए 4.3 में हमको कुछ घटाना पड़ेगा, इतना ही तो बच रहा है, इतना ही बच रहा है हमको सेंटर टू सेंटर यहाँ से यहाँ पता है हमको कितना है 4.3। तो हम देख लें ए वाला दूरी कितना है घटा देंगे, देख लेंगे ए वाला दूरी कितना है तो घटा देंगे। तो बताइए सेंटर से ये टोटल 50 है तो 25 उधर और 25 इधर, तो जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं। उस खसके की बात हो रही है, उस खसके की। हाँ हर टाइम वो लिखना जरूरी है क्या ऊपर वाला? हाँ हाँ जो जो हम लिख रहे हैं वो एक ही बार लिखना है ना, देखिए एक बार लिख के छोड़ दिए। अच्छा, सेंटर टू सेंटर एक ही बार लिखना है, टोटल लेंथ को बार बार लिखना है। तो देखिएगा हो जाएगा आपका, लग रहा है आपका जल्दी छूट जाएगा, हो गया आपका काम, आपके माता जी काम कर लें। हो जाएगा 0.25 माइनस 0.25 कितना आएगा देखिए 3.8 आएगा पक्का, वो भी 5.8 ही आएगा, 3.8 और 5.8 मतलब 8 ही आएगा कन्फर्म घटाने पर आ सकता है। ठीक है देखिए 3.8 हो जाएगा लंबाई, इतना ही ना बच रहा है, समझ आ रहा है ना। चौड़ाई कितना हो जाएगा 0.5, फर्स्ट फुटिंग का निकालना है 0.5। गहराई क्या हो जाएगा 0.2, देखिए गहराई कितना है 0.2। तो बस कैलकुलेट कर दीजिए। अरे यार आज ही मेन पोर्शन पे ही चलाने वाले थे सब, हद हो गया। कितना रहा है 0.76 क्यूबिक मीटर, अरे नहीं अभी अरे यार गलत हो गया, इधर उधर नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्या कर वो शॉर्ट वाल का निकाल रहे थे ना। देखिए कोई बात नहीं, देखिएगा एक और बनाइए किसका 40 का, तो ए हो जाएगा आपका 30, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका सेकेंड फुटिंग की 40 है ना, तो अब तो बनाएंगे नहीं तभी काम चल जाएगा। सेंटर से 20 इधर जाएगा 20 उधर जाएगा, ठीक है तो नहीं बनाते चलिए। हेलो समझिए वही ना हम कह रहे हैं, क्यों मतलब दोनों कैसे सेम आ जाएगा, नहीं पूछ रहे हैं सेम कभी आता नहीं कैसे सेम आ जाएगा। देखिएगा भाई जो सेकेंड फुटिंग है समझिए, सेकेंड फुटिंग की लंबाई में 0.20 जोड़ेंगे, है जोड़ेंगे है कि नहीं, सेकेंड फुटिंग का लंबाई निकाल रहे हैं ना, लॉन्ग वाल निकाल रहे हैं किसका सेकेंड फुटिंग का। अच्छा। सेकेंड फुटिंग यानी किसकी 40 की, और लॉन्ग वाल में हमेशा जोड़ते हैं, लेकिन कितना जोड़ते हैं फुटिंग जोड़ देते हैं, पूरा फुटिंग ही जोड़ देते हैं। अभी सारा हम समरी जब बताते हैं तब समझ आ जाएगा आप, पूरा समरी बताएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 4.7। हाँ इसके लिए 4.7 मीटर, ठीक है इसीलिए यार ये जाएगा 2 है ना, वो तो उसका लिखे थे ना, हो तो गया 4.37 तो 5.0। अरे वो सब डिस्टर्ब कर उसी में रह गया कि जब
आए देखिए देखिए, ये जो फर्स्ट फुटिंग था ये किसके लिए था, मतलब 50 सेंटीमीटर चौड़ाई के लिए, तो उसमें 50 ही जोड़ दिए हैं, 25 25। ये जो सेकेंड फुटिंग है उसकी चौड़ाई कितनी है, 40, तो 20 इधर जाएगा 20 उधर जाएगा, तो उसमें 40 जोड़ दिए, तो उसकी लंबाई कितनी आ गई 5.7, चौड़ाई कितनी है 0.4। भाई सेकेंड फुटिंग की चौड़ाई कितनी है 0.4, और गहराई कितनी है 0.,  उसकी गहराई है 0.2, दोनों गहराइयाँ सेम है। तो देखिए कितना आ रहा है, ये फर्स्ट फुटिंग का है, देखिएगा याद रख, जीरो पॉइंट 91 क्यूबिक मीटर। ये बताइए इसका सामने लिखना है, ठीक है, ये समझ आया आ रहा है। अब देखिएगा अब किसको लिखेंगे हम लोग, 60 वाल को, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट फुटिंग, उसके बाद क्या लिखेंगे, सेकेंड फुटिंग, ठीक है। संख्या क्या हो जाएगा, मत बात किया करिए, आप ही लोगों के चक्कर में इधर उधर होता है, हम बता रहे हैं, ध्यान रहता है कि नहीं कर रहे हैं। देखिएगा 60 वाल का संख्या हो जाएगा 2, फर्स्ट फुटिंग की, सेकेंड फुटिंग की संख्या हो जाएगा 2। अब देखिएगा टोटल लेंथ कितना हो जाएगा फर्स्ट फुटिंग का, जितना लॉन्ग वाल में जोड़ते हैं उतने 60 वाल में घटाते हैं, है ना। देख लीजिए कैसे, यहीं देखिए फर्स्ट फुटिंग का 4.3 सेंटर सेंटर है, यही तो घटाएंगे, तो एक कितना है फर्स्ट फुटिंग का, 25 ही तो है, क्योंकि 25 इधर 25 इधर, तो 25 इधर घटा देंगे, 25 इधर क्या कर देंगे आप, घटा देंगे, तो टोटल लेंथ में कितना हो जाएगा 5.3 -0.25 -0.25, कितना आ रहा है, 4.3 फर्स्ट फुटिंग का है ना, कितना आ रहा है 4.8 मीटर। नहीं समझ आया, ओहो हाँ हाँ, 60 वाले ना भाई, 4.3 है ना, 60 वाट 4.3, कितना जाएगा आपका 3.8, तो लिखिए 3.8। चौड़ाई कितना हो जाएगा फर्स्ट फुटिंग का, 0.5। जब टीचर फिर गलती करता है ना तो फिर गुस्सा आता है, तो चुपचाप रहा करिए। और ऊंचाई कितना होगा, 0.2, देखिए कितना आ रहा है, 0.76 क्यूबिक मीटर। अब देखिए सेकेंड फुटिंग का कितना हो जाएगा टोटल लेंथ, 4.3 में से घटा देंगे 0.2 -0.2, 3.0 आ जाएगा ना, हो जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका 3.9 और 0.4। चौड़ाई कितना हो जाएगा सेकेंड फुटिंग का, 0.4, और गहराई भी 0.2, इसका भी है 0.62 क्यूबिक मीटर। जोड़ दीजिए चारों को, हाँ चारों को जोड़िए, 3.45 क्यूबिक मीटर। ए बताइए समझ आया, तो देखिए अभी तक क्या याद रखना है कि लॉन्ग वाल 60 वाल में सबसे पहले लॉन्ग वाल को निकालते हैं, उसके बाद शॉर्ट वाल को। पहला, लॉन्ग वाल में हमेशा जोड़ते हैं, 60 वाल में हमेशा घटाते हैं, दूसरा नियम। तीसरा या ये याद रखना है कि जितना लॉन्ग वाल में जोड़ेंगे उतना ही 60 वाल में घटाएंगे। देखिए इसमें कितना जोड़े हैं, इसमें जोड़े हैं कहाँ क्या 40 40 जोड़े हैं, और इसमें 40 40 घटा दिए। इसमें देखिए फर्स्ट फुटिंग में 25 25 जोड़े हैं, तो फर्स्ट फुटिंग में 25 25 घटा दिए, सेकेंड में 25 25 20 20 जोड़े हैं, तो इसमें 20 20 घटा दिए, यानी जितना लॉन्ग वाल में जोड़ेंगे उतना ही 60 वाल में घटाएंगे। चौथा का याद रखना है कितना जोड़ना है, जिस खसके पर काम करना है उस खसके की चौड़ाई को जोड़ देना है, ये याद रखें, याद क्या रखना है वो याद हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो कितना जोड़ना है कितना घटाना है, जिस खसके पर हम काम करेंगे उस खसके को ही जोड़ देना है, यानी जितनी चौड़ाई पर काम करेंगे उस चौड़ाई को जोड़ देना है। मतलब क्या हुआ कि देखिए एक्सवेशन कर रहे थे, एक्सवेशन की चौड़ाई कितनी थी 80, तो देखिए 40 40 80 जोड़ दिए हम, अभी लिखे हैं ऐसा, बाद में हम 80 डायरेक्ट लिखेंगे, 80 जोड़े कि नहीं जोड़े, 80 घटा दिए। फर्स्ट फुटिंग का चौड़ाई कितनी है 50, फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई कितनी है 50, तो देखिए 25 25 जोड़े हैं, 25 25 घटाए हैं। सेकेंड फुटिंग की चौड़ाई कितनी है 40, देखिए 40 जोड़े हैं, है ना,
तो यही चीज़ है, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड में सबसे पहले लॉन्ग वाल को, उसके बाद शॉर्ट वाल को, जितना लॉन्ग वाल में जोड़ेंगे शॉर्ट वाल में घटाएंगे, जितना लॉन्ग वाल में जोड़ेंगे उतना ही शॉर्ट वाल में घटाएंगे, जिस चौड़ाई पे काम करेंगे उसी को जोड़ेंगे उसी चौड़ाई को घटा देंगे, इतना याद रखना है। देखिएगा आप समझिए, चौथा क्या जाएगा, ब्रिक वर्क, अरे यार एकदम दिमाग ही ख़राब कर दिया सब आज, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर यानी अधसंरचना में ईंट का कार्य। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, लॉन्ग वॉल, उसके बाद क्या लिखेंगे, शॉर्ट वॉल, तो संख्या कितना हो जाएगा, दो। अब देखिए टोटल लेंथ क्या मिल जाएगा इसका, टोटल लेंथ भाई 5.3 में किस खर्च के पर काम कर रहे हैं, अब किस चौड़ाई पर काम कर रहे हैं, 30 वाले पे, तो 15 जोड़ देंगे तो 0.15 प्लस 0.15, देखिए यही जो एक्स्ट्रा बच रहा है, 1515 वही तो 30 सेंटीमीटर वाला है, 1515 बचा है कि नहीं, है ना, 15 था जोड़ दिए तो टोटल कितना आ जाएगा, 5। देखिए बाहर से बाहर कितना मिल जाएगा, 5.6, तो हो जाएगा आपका लंबाई 5.6, चौड़ाई कितना है, सीधे सीधे 30 दिख रहा है तो 0.3, और ऊंचाई कितना है आपका 3 मीटर, इनडायरेक्ट लिख देंगे हम 10.0 क्यूबिक मीटर। और देखिए शॉर्ट वाल देख लीजिए कितना आसानी समझ आएगा, यानी इतना कर चुका कि नहीं कर चुके आप, यहीं से हो चुका इतना, उधर भी हो चुका, एक्सप्रेशन कर चुके, अब कितना बचा, अब अंदर अंदर ही बचा, लेकिन कैसे निकालेंगे, देखिए अंदर अंदर 4 दिख रहा है ना, लेकिन निकालिए फार्मूले से, 4.3 में से घटाएंगे कि नहीं, 0.15 देख रहे सीधा, अब सीधे सीधे दिख गया ना अंदर अंदर 4, तो बचे गया कितना आपको 4 मीटर, तो हो जाएगा आपका 4, चौड़ाई 0.3, ऊंचाई तो उतना ही है, चौड़ाई ऊँचाई दिख ही रहा है, देख लीजिए कितना आ रहा है इसका, 7 क्यूबिक मीटर, टोटल जोड़ दीजिए 17.20 क्यूबिक मीटर, समझ आ रहा है, आसान है ना, कहाँ अरे तो क्या बोले थे, तो कौन आपको मतलब कि हो गया ना, मतलब अपना गलती नहीं मास्टर का ही गलती, मतलब आप गलत हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे, अरे बाल यार सब निकाल दीजिए माइंड से, तो ऐसा समझ आया, तो लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल था, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड में सबसे पहले लॉन्ग वाल का, उसके बाद शॉर्ट वाल का, लॉन्ग वाल में जोड़ेंगे शॉर्ट वाल में कटाएंगे, उसके बाद जितना जोड़ेंगे उतना ही कटाएंगे, चौड़ाई पर जिस चौड़ाई पर काम करेंगे उसी चौड़ाई को जोड़ कर उसी चौड़ाई को घटा देंगे, हो जाएगा, नोट कर लीजिए फिर। अभी बहुत कुछ निकालना होता है, बस हम आपको बेसिक बताएं, अभी आपको डीपी से निकालना होगा, अभी आपको प्लास्टर निकालना होगा, लकड़ी का कार्य निकालना होगा, सीसी वर्क निकालना होगा, और सीसी सब निकालेंगे, अभी तो बेसिक यही है।